रेस्टोरेंट या होटल जैसा मशरूम चिल्ली रेसिपी घर पर बनाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को आराम से फॉलो कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आपको इस रेसिपी में मिलेगा मेरे बताए हुए मेथड से। आप देख सकते हैं, देखने में ही ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, दिस इज सुधा तिवारी, आप देख रहे हैं माय कुकिंग चैनल स्पाइसी अरोमा, सुधा की रसोई। रेस्टोरेंट स्टाइल चिल्ली मशरूम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है बटन मशरूम, जो 250 ग्राम के करीब है। इसमें आप 3 से 4 लोगों के लिए चिल्ली मशरूम रेसिपी तैयार कर सकते हैं। जब भी पैकेट या इस तरह के बॉक्स में आपको मशरूम मिलता है तो थोड़ी सी इसके ऊपर कंपोस्ट यानी कि ब्लैक मिट्टी की तरह इस पर चिपका रहता है, जिसे आप पानी के नीचे अच्छे से रगड़ के वॉश कर लेंगे। मैं वैसे बेसिकली नए टूथब्रश का यूज़ करती हूँ इसे क्लीन करने के लिए, इसकी मिट्टी हटाने के लिए, जिससे बहुत ईजी और बहुत जल्दी ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसके जो भी ख़राब पार्ट हैं वो थोड़े निकाल सकते हैं। जो इसका नीचे का स्टेम है उसका लास्ट वाला पॉइंट आप निकाल देंगे, और ये बिल्कुल फ्रेश है मेरे पास बटन मशरूम। अगर आपका थोड़ा सा ख़राब हो तो ऊपर का छिलका भी आप पतली लेयर के साथ निकाल सकते हैं, और इसे 1 से 2 या 1 से 4 भाग में कट करके रख लेंगे। मिक्सिंग बाउल में कटे हुए मशरूम डाल दिए, जिसमें थोड़ा सा नमक डाला है, और इसमें कॉर्न स्टार्च और थोड़ा सा मैदा मिलाएंगे। अच्छे से सारी चीज़ों की हिलाते हुए बिना हाथ लगाए इसकी कोटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे स्ट्रेनर में डाल के छान के अलग कर लेंगे। अब अच्छे से कॉर्न स्टार्च और मैदा की कोटिंग के साथ इसे हम डीप फ्राई करेंगे। इसमें हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। तेल को अच्छे से कढ़ाई में गर्म करेंगे, हाई फ्लेम पे सारे मशरूम को इसमें एक एक करके डाल देंगे। जब ये मशरूम अच्छे से हाई फ्लेम पे थोड़ा कलर आ जाए तो ही हम इसे हिलाएंगे, नहीं तो इसे ऐसे एक साइड हम डीप फ्राई कुक होने देंगे। जब देखिए ये थोड़ा सा श्रिंक हो गया है और इस पर एक लाइट ब्राउन कलर आ गया है, तो इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से सारे मशरूम को मैंने यहाँ पर फ्राई करके रख लिया है। ध्यान रखें, मशरूम को फ्राई करते हुए तेल ज़्यादा गर्म और फ्लेम हाई पे रखना है। आगे देख लेते हैं, चिल्ली मशरूम बनाते हुए इसमें 3 कलर के बेल पेपर का यूज़ करेंगे। तो मैंने रेड, येलो और ग्रीन वाले बेल पेपर ले लिए हैं, और ओनियन को भी बड़े बड़े पीसेस में कट करके उसके बल्ब अलग कर लिए हैं, यानी कि ओनियन की परतें अलग कर ली हैं। सॉस देख लेते हैं, रेड चिल्ली सॉस जाएगा जो ज़्यादा क्वांटिटी में डालें आप, और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी सेजवान चटनी जो इसको बहुत अच्छा टेस्ट देती है। तो आप रेड चिल्ली सॉस, सेजवान चटनी और डार्क सोया सॉस और वाइट विनेगर का इसमें यूज़ करेंगे, बस इतने की ही ज़रूरत है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है मशरूम चिल्ली बनाने में। तो चारों चीज़ों को मैंने अच्छे से डाल के मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे एक कॉर्न स्टार्च और थोड़ा सा मैदा मिला के स्लरी बना रही है। स्लरी यानी कॉर्न स्टार्च और मैदे का घोल होता है, तो थोड़ा पानी डाल के इसे घोल बनाएंगे बिना लम्स के, और थोड़ा पानी डाल के ऐड करके रख देंगे। रूम टेम्परेचर पानी में इसे बनाना है। अब एक वोक रखेंगे, गरम करेंगे, ऑयल डालेंगे और बारीक कटा हुआ इसमें लहसुन डालेंगे। हाई फ्लेम पे सारी चीज़ें कुक करनी है। इसके बाद ऑनियन डाल दिया है, ऑनियन को भी कुछ 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। याद रखें, मीडियम टू हाई फ्लेम रखें। बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी और बारीक कटा हुआ गाजर ऐड कर दिया है। ये तड़के का सामान है, इसको अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। इसके बाद आपने जो बड़े बड़े पीसेस में बेल पेपर और ऑनियन को डाला है, ऑनियन को कट करके रखा है, वो ऐड करेंगे, और इसे भी हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। तो क्रंची कुक करना होता है इसमें सारी सब्जियों को, और इसमें हल्का सा सॉल्ट मिला रही हूँ अभी, और ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करेंगे इसी टाइम। याद रखें, थोड़ा सा ही सॉल्ट मिलाए इस समय, क्योंकि मशरूम को फ्राई करते हुए भी हमने इसमें सॉल्ट मिलाया था, और जो सॉसेस यूज़ कर रहे हैं उसमें भी सॉल्ट होता है। तो ब्लैक पेपर भी डाल दिया है मैंने और मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने सॉस तैयार किए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे कुछ 1 मिनट के लिए। इसके बाद जो हमने कॉर्न स्टार्च और मैदे की स्लरी तैयार की है वो ऐड करेंगे। थोड़ा इसका कलर और डार्क करने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस और ऐड किया है और मिक्स कर दिया है। मैं इसे राइस के साथ सर्व करने जा रही हूँ, तो इसकी जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी लटपटी सी बना रही हूँ। तो थोड़ा सा 1 कप से कम पानी मैंने ऐड किया है, 1/2 कप पानी ऐड कर सकते हैं। अब जो हमारी ये ग्रेवी है इसमें एक बॉयल आने देंगे। बॉयल आने पे जो हमारे फ्राइड मशरूम है वो इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे और इस सब्जियों के साथ और सॉस की ग्रेवी के साथ मशरूम को थोड़ी देर 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम कुक कर लेंगे। लास्ट में आप इसमें डालेंगे स्प्रिंग ओनियन के हरे पत्ते, या फिर मेरी तरह आप धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं।
इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें, खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। तो आपने देखा रेस्टोरेंट स्टाइल वाला मशरूम चिल्ली रेसिपी घर पर कितनी आसानी से बन गया। इस तरह से ये टेस्टी कितना बनता है ये तो आप जब बनाकर खाएंगे तभी पता चलेगा। तो देरी किस बात की, मेरी वीडियो देखने के बाद आप भी बनाइए रेस्टोरेंट स्टाइल चिल्ली मशरूम रेसिपी घर पर। मेरे चैनल पर जाके मेरी और भी बहुत सारी रेसिपीज़ को देख सकते हैं, और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूंगी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।